हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। फ्रेंड्स, ग्राम विकास इटावा फिटर थ्योरी के क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चन आगे वाले हमारे रहते हैं। तो देखिए, 26 नंबर का अगला प्रश्न है और यहाँ पर पूछा गया है कि डाई नट क्या है। डाई नट के बारे में यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन की यदि बात करें तो ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, क्या नट के आकार की डाई होती है डाई नट, या डाई द्वारा फोर्जिंग किया गया नट होता है, या फिर नट में चूड़ियां काटने वाली डाई, या फिर डाई स्टॉक पर लगा हुआ नट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए डाई नट के बारे में। हमारे एक नट के आकार की ही डाई होती है, जिसे डाई नट बोलते हैं, और इसके यूज के बारे में काफी बार पूछा जाता है। तो इसके प्रयोग की यदि बात करें, जो हमारी थ्रेड खराब हो चुकी होती है उसे हमें रिपेयर करने के लिए हम डाई नट का यूज करते हैं। एक्सटर्नल थ्रेड को रिपेयर हमें जहां पर करना हो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, डाई नट का यूज करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि टैपिंग करते समय टैप के टूटने का कौन सा कारण नहीं है। यहां पर फोकस कर रहे हैं, बोला गया कि कौन सा रीजन हमारा नहीं है। देखिए, सबसे फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दिया, टैप पर खुरदरी चूड़ियां होना, यानी कि टैप पर हमारी यदि कोर्स थ्रेड कटी होगी तो क्या हमारा टैप के टूटने का कारण होगा या ये नहीं होगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए, ये हमारे कोई टैप के टूटने का कारण नहीं है। चाहे हमारे टैप पर कोर्स मीडियम या फिर फाइन चूड़ी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि इससे टैप और टैप के टूटने से और कोर्स थ्रेड से कोई आपस में संबंध नहीं है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें, टैप पर अत्यधिक दबाव लगाना, यदि हम टैपिंग करते टाइम टैप पर अत्यधिक प्रेशर लगाएंगे तो हमारा टैप टूट सकता है, यानी कि ये टैप के टूटने का रीजन है। लेकिन बोला क्या है कि टैप के टूटने का क्या रीजन नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन है और बोला गया है यहां पर, टैप पर पुनः धारण के लिए टैप पर कहां ग्राइंडिंग करते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि टैप को आपको पुनर्ग्राइंडिंग करनी है, यानी कि रीशार्पनिंग करनी है। तो रीशार्पनिंग करने के लिए आप टैप के कौन से पार्ट को ग्राइंड करेंगे, क्या फ्लूट को, चूड़ी को, व्यास को, या फिर रिलीफ पर। तो आपको क्लियर होना चाहिए, जब हमारी टैप की जो थ्रेड है, टीथ है, वो खराब हो जाते हैं, उस कंडीशन में उसे रीशार्पनिंग करने के लिए हम कहां पर ग्राइंड करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं फ्रेंड फ्लूट्स पर। तो आपको क्लियर होना चाहिए, फ्लूट हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर 29 नंबर का है और बोला गया है कि कंपन वाले पार्ट पर जैसे वायुयान, ऑटोमोबाइल्स आदि में किस प्रकार की चूड़ियां हम प्रयोग में लाते हैं। ऑप्शन BSF, BSP, BSW या फिर ANS। तो आपको क्लियर होना चाहिए, यहां पर बोला क्या गया है कि कंपन करने वाले पार्ट, यानी कि यहां पर वाइब्रेशन हो रहा हो, तो वाइब्रेशन वाले पार्ट पर हम फाइन थ्रेड का यूज करते हैं, जिससे वो कंपन के कारण खुले नहीं। तो यहां पर हमारी ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड करेक्ट आंसर होगा, BSF करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का है और बोला गया कि उस चूड़ी का नाम बताइए जिसका उपयोग अधिक तार रेडियो, घड़ियों, कैमरों आदि, टेलीफोन आदि में किया जाता हो। यानी कि यहां पर पर्पस क्या बोला गया 30 क्वेश्चन में, कि ऐसी हमारी कौन सी थ्रेड है जिसका यूज हम बारीक कामों के लिए करेंगे, लाइक घड़ी, कैमरा, या फिर काफी सारे जो बारीक आइटम है उनमें हम करते हैं। तो वो हमारी थ्रेड होती है दोस्तों ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, यानी कि BA थ्रेड का यूज करते हैं हम कहां पर, जहां पर हमें काफी बारीक सामान, घड़ी, कैमरा आदि में। तो यहां पर BA थ्रेड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो BA थ्रेड के एंगल के बारे में पूछा जाता है, तो BA थ्रेड का एंगल जो होता है वो हमारा 47.5 डिग्री होता है। क्लियर है, कितना होता है 47, सही 1/2, 47.5 डिग्री। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर का है और 31 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि जहां पर एक ही दिशा में भार लग रहा है उस स्थान पर किस चूड़ी का उपयोग करेंगे। यानी कि यहां पर हमारा वन डायरेक्शन लोड है, एक ही दिशा में भार है, वहां पर हम किस थ्रेड का प्रयोग करते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नकल थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, विटवर्थ थ्रेड, या फिर बटरस थ्रेड। आपको क्लियर होना चाहिए किसका यूज करते हैं हम। फ्रेंड्स, यहां पर हम यूज करते हैं बटरस थ्रेड का। क्लियर है, बटरस थ्रेड का प्रयोग करते हैं बिकॉज इसकी एक साइड हमारी 45 डिग्री पर और दूसरी साइड हमारी 90 डिग्री के एंगल में होती है। यानी कि यहां पर वन डायरेक्शन हमारा भार होता है, हम बटरस थ्रेड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और यहां पर बोला गया है कि ब्लाइंड हॉल में टैपिंग करने के लिए
टैप का उपयोग करते हैं, यानी कि हमारा जो टैप है वो थ्रो आउट नहीं है, यानी कि वो पूरी गहराई में आर पार नहीं किया गया है, ब्लाइंड होल है और उसमें हमें थ्रेड काटनी है हैंड टैप के द्वारा। वहां पर हम किस टैप का यूज करेंगे? हैंड टैप में हमारे 3 टैप होते हैं। कौन कौन से टैप होते हैं? टैपर टैप, इंटरमीडिएट टैप, बॉटमिंग टैप, यानी कि फर्स्ट टैप, सेकंड टैप एंड थर्ड टैप। तो यहां पर जब हम ब्लाइंड होल में टैपिंग करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है हमारा कि हम बॉटमिंग टैप का यूज करें। बिकॉज क्या होता है, बॉटमिंग टैप की ओनली 1 या 2 चूड़ी हमारी चैम्बर में होती है, जिससे कि हम होल के बॉटम तक पूरी गहराई में थ्रेड की कटिंग कर सकें। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉटमिंग टैप, यानी कि सी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर का कि पीतल में टैपिंग करते समय किस तरल पदार्थ का उपयोग करते हैं। आपको क्लियर होना चाहिए, जब हमें ब्रास की टैपिंग करनी होती है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? केरोसिन, मिट्टी के तेल का यूज कर लेते हैं ब्रास की टैपिंग के टाइम। कटिंग की बात नहीं चल रही है, यदि हम अन्य कटिंग ऑपरेशन करते हैं वहां पर अलग बात है, लेकिन टैपिंग में हम मिट्टी के तेल का यूज कर लेते हैं। अब यहां पर बी और सी ऑप्शन में दोनों में हमें दिया गया केरोसिन, मिट्टी का तेल, एक ही बात है, तो हमारे दोनों ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें 34 का है कि भारी कार्यों के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? बेंच ग्राइंडर, पेडेस्टल ग्राइंडर, पोर्टेबल ग्राइंडर या उपयुक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर बेंच ग्राइंडर की यदि बात की जाए तो बेंच ग्राइंडर क्या होता है? यहां पर ये हमारा एक सिंपल ग्राइंडर है जिसमें हमारा क्या, एक तरफ कोर्स ग्राइंडिंग व्हील, एक तरफ फाइन ग्राइंडिंग व्हील लगा होता है और इसको हम डायरेक्टली बेंच पर फिट करते हैं। इसी लगभग पेडेस्टल ग्राइंडर की बात करें तो सेम होता है, लेकिन इसके लिए हम एक पेडेस्टल बना लेते हैं और उसके ऊपर सेम ग्राइंडिंग व्हील ग्राइंडर जो होता है उसको फिट करते हैं। तो जो हमारे भारी कार्य होते हैं उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? पेडेस्टल ग्राइंडर का यूज करते हैं। जो हमारे हल्के कार्य हैं तो यहां पर हल्के कार्यों के लिए पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन का यूज करते हैं। पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन क्या होता है? इस ग्राइंडिंग मशीन को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से उठाकर ले जा सकते हैं, बहुत हल्का होता है और हल्के कामों के लिए हम पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा पेडेस्टल ग्राइंडर मशीन करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 35 का है, बोला गया है कि उस ग्राइंडर का नाम बताइए जिसका अधिकतम उपयोग कास्टिंग या लोकोमोटिव शॉप में वेल्डिंग किए हुए कार्यखंड से अतिरिक्त धातु की पिसाई के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन बेंच ग्राइंडर, पोर्टेबल ग्राइंडर, पेडेस्टल ग्राइंडर या उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर दोस्तों आपको कमेंट करना है जरूर, यहां पर स्पेशल हैशटैग स्पेशल टेक्नो और करेक्ट आंसर यहां पर दें। क्या बेंच ग्राइंडर, पोर्टेबल ग्राइंडर, पेडेस्टल ग्राइंडर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? आई थिंक इसका करेक्ट आंसर बेंच ग्राइंडर होना चाहिए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर जो है इसका आंसर ड्रॉप करें। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर निकल के आता है और बोला गया है यहां पर कि जिन कार्यखंड या जॉब में परिशुद्धता की आवश्यकता नहीं होती है उसमें किस पिसाई विधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि हमें एक्यूरेसी की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि हमें कोई पर्टिकुलर साइज नहीं चाहिए, ओनली ग्राइंडिंग करनी है, तो वहां पर हम किस ग्राइंडिंग विधि का यूज करेंगे? बेलनाकार, फलक या फिर हाफ एंड ग्राइंडिंग मशीन? तो हाफ एंड ग्राइंडिंग मशीन का यूज करेंगे, हैंड ग्राइंडिंग मशीन का यूज करेंगे, बिकॉज यहां पर हमें कोई एक्यूरेसी की आवश्यकता नहीं है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया कि अपघर्षक कणों को तोड़कर नए कण बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ड्रेसिंग कहते हैं। ड्रेसिंग प्रोसेस क्या होती है? ड्रेसिंग जब हमारा व्हील में दो डिफेक्ट आते हैं, दो दोष आते हैं, वो कौन से होते हैं? लोडिंग और ग्लेजिंग। लोडिंग और ग्लेजिंग दोनों को सही करने के लिए जो हम ऑपरेशन करते हैं वो क्या होता है? ड्रेसिंग। और ड्रेसिंग में किया क्या जाता है? एक्चुअल में ड्रेसिंग में यही किया जाता है कि अपघर्षक कणों को तोड़कर नए कणों को बाहर निकाला जाता है जो कि शार्प होते हैं और जो कि अच्छी तरह से कटिंग कर सके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रेसिंग हमारा यहां से करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन भी ग्राइंडिंग से लिया गया है। बोला गया कि अपघर्षक पहिए में अपघर्षण की जाने वाली धातु के कणों का पहिए की सतह पर फंसने को क्या कहते हैं? दो दोष होते हैं यहां पर, लोडिंग एवं ग्लेजिंग। लोडिंग की बात करें, जब हम जो धातु की ग्राइंडिंग कर रहे हैं और उस धातु के कण यदि ग्राइंडिंग व्हील के बीच में फंस जाते हैं, एब्रेसिव के बीच में फंस जाते हैं, तो वहां पर जो दोष उत्पन्न होता है वो लोडिंग ऑफ व्हील, यानी कि लोडिंग। तो यहां पर वही चीज बोला गया कि अपघर्षक पहिए में अपघर्ष
घर्षण की जाने वाली धातु के कणों का पहिए की सतह पर चिपक जाना या फंस जाना तो उसे हम क्या कहेंगे, लोडिंग ऑफ व्हील। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट 39 नंबर का क्वेश्चन, और यहां पर बोला गया कि जब टैप धातु के अंदर टूटकर कई टुकड़ों में हो गया हो उस स्थिति में टूटे टैप को निकालने की विधि में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। देखिए यहां पर एक कंडीशन दे दी गई है, वो कंडीशन क्या दी गई है, यहां पर बोल दिया गया है कि आपको कि आपका टैप टूटा है जो कि कई टुकड़ों में टूट गया है हॉल के अंदर, अब हमें उसे बाहर निकालना है, तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे। यहां पर देखिए ऑप्शन क्या दिया गया, टैप एक्सट्रैक्टर, तो बिल्कुल हम टैप एक्सट्रैक्टर का यूज नहीं कर सकेंगे बिकॉज हमारा टैप काफी टुकड़ों में टूट चुका है। क्या पंच और हैमर से निकल सकता है, नहीं निकल सकता, टैप टूटा हुआ है कई टुकड़ों में। हम यहां पर नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं जिससे हमारा पूरा वो धातु जल जाती है और वहां से हमारा टैप के सभी टुकड़े बाहर निकल जाते हैं, तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा बिकॉज कंडीशन दे दी गई है कि टैप हमारे कई टुकड़ों में टूटा हुआ है। देखिए यहां पर अगले क्वेश्चन में बोला गया 40 नंबर के क्वेश्चन में कि जब टैप जॉब की सतह से ही टूट गया हो उस समय किस विधि का उपयोग करेंगे, यानी कि हमारी जॉब की सरफेस पर ही टूटा है तो पंच एंड हैमर का यूज करके हम उसको निकाल सकते हैं बिकॉज हमारी टैप की जो हमारी सरफेस है वहीं पर हमारा जो टैप है वो टूटा हुआ है, तो बी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर 41 नंबर का, और बोला गया कि पुरानी या खराब चूड़ियों को साफ करने के लिए किस डाई का उपयोग करते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था क्या डाइनट के बारे में, डाइनट का यूज हम कहां पर करते हैं, जब हमारी कोई खराब थ्रेड हो गई हो उसे हमें रिपेयर करना हो, तो वही चीज बोली है कि पुरानी या खराब चूड़ियों को साफ करना हो यानी कि रिपेयर करना हो वहां पर किसका यूज करेंगे, डाइनट का यूज करेंगे, डी ऑप्शन हमारा बहुत अच्छा है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दें, क्या करेक्ट आंसर होगा, दो उठे हुए भागों के बीच गहरी सतह वाले छेद में टैपिंग के लिए किस टैप रिंच का उपयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, दो उठे हुए भागों के बीच गहरी सतह वाले छेद में टैपिंग के लिए आप किस टैप रिंच का उपयोग करेंगे, ऑप्शन देखिए ठोस समायोज टी हैंडल वाला या फिर कोई नहीं, तो आपको क्लियर होना चाहिए टी हैंडल टी हत्ते वाला यूज करेंगे बिकॉज क्या बोला है यहां पर कि हमारे दो उठी हुई सरफेस हैं, यहां पर दो उठी हुई सरफेस हैं और यहां पर टैपिंग करनी है, तो टी हैंडल हमारा इस प्रकार से लंबा होता है और आसानी से हम इसको घुमाकर टैपिंग कर सकते हैं, तो टी हत्ते का हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है। यदि ठोस और एडजस्टेबल का यूज करेंगे तो वो दोनों सतह से हमारा क्या होगा, टकराएगा जब हम उसको घुमाएंगे, जबकि टी हैंडल को आसानी से हम एक ही हाथ से घुमा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट 43 नंबर का क्वेश्चन है और बोला गया कि किस अपघर्षक का प्रयोग उच्च तनन सामर्थ्य वाली धातुओं की पिसाई करने के लिए किया जाता है, यानी कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुओं की ग्राइंडिंग करने के लिए हम किस एब्रेसिव का यूज करेंगे। हमारे दो प्रकार के आर्टिफिशियल एब्रेसिव होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज हम कहां पर करते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुओं को ग्राइंड करने के लिए। यदि सिलिकॉन कार्बाइड की बात करें तो वहां पर हम लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुओं को ग्राइंड करने के लिए उसका यूज करते हैं, तो यहां पर बोला क्या गया उच्च तनन सामर्थ्य यानी कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ धातुओं की ग्राइंडिंग करनी है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा यहां से करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पिसाई पहिए के लिए बॉन्ड की कठोरता क्या दर्शाता है, तो यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए कठोरता की बात की जा रही है तो वह बॉन्ड को दर्शाता है, यानी कि बॉन्ड ने एब्रेसिव को कितनी मजबूती से पकड़ा हुआ है। आपको पता है तीन प्रकार के हमारे व्हील होते हैं, हार्ड ग्रेड, सॉफ्ट ग्रेड और मीडियम ग्रेड, जिसको हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आखिर दर्शाते क्या है, वो बॉन्ड को दर्शाते हैं कि बॉन्ड ने कितनी मजबूती से हमारे एब्रेसिव कणों को पकड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, 45 नंबर का है कि वर्गाकार तथा वर्गाकार संशोधित चूड़ी यानी कि मॉडिफाइड स्क्वायर थ्रेड बी आकार की चूड़ियों के अपेक्षा ज्यादा मजबूत होती हैं, रेलवे वैगन की कपलिंग में किस चूड़ी का उपयोग करते हैं, यहां पर रेलवे कपलिंग की बात की जा रही है तो वहां पर हम नकल थ्रेड का यूज करते हैं रेलवे कपलिंग में, सी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि लिमिट एवं फिट प्रणाली में टॉलरेंस ग्रेड का मान बढ़ने पर परिशुद्धता में क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, लिमिट फिट की प्रणाली में
हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं, जो IT01 से लेकर IT16 तक होते हैं, क्लियर है। अब यहां पर बोला है कि हमारे ग्रेड का मान बढ़ रहा है, यानी कि 1, 2, 3 इस प्रकार IT16 तक जाएंगे, तो जैसे जैसे हमारा मान बढ़ता है IT1, IT2, IT3, वैसे वैसे हमारी परिशुद्धता कम होती जाती है, बिकॉज टॉलरेंस हमारा इंक्रीज होता जाता है। तो यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए सबसे ज्यादा परिशुद्ध कौन सा होता है, IT01, उसके बाद आता है हमारा IT0, उसके बाद फिर से आता है IT1, फिर उसके बाद हमारा 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार 16 तक जाता है। तो सबसे शुद्ध कौन सा होता है, IT01 होता है। तो आपको क्लियर हुआ, जैसे जैसे ग्रेड का मान बढ़ेगा हमारी क्या होगी, परिशुद्धता घटती जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर का है कि पिलर टाइप ड्रिल मशीन कितने मिलीमीटर तक जॉब पकड़े जा सकते हैं, पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन में 13 मिलीमीटर, क्लियर है 13 मिलीमीटर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा यहां पर 48 नंबर का है और बोला गया कि जब एक ही प्रकार के ऑपरेशन या अलग अलग ऑपरेशन क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, उस स्थिति में किस ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। देखिए, एक ही प्रकार के ऑपरेशन या अलग अलग ऑपरेशन क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, तो वहां पर हम मल्टी स्पेंडल ड्रिल मशीन का यूज करते हैं, क्लियर है, मल्टी स्पेंडल ड्रिल मशीन का यूज करते हैं, क्योंकि यहां पर बोला क्या गया है, यहां पर दोस्तों इन्होंने बोल दिया है, यहां पर क्लियरली देखिए क्या बोला है यहां पर कि जब एक ही प्रकार के ऑपरेशन या अलग अलग ऑपरेशन क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, यदि यानी कि हम सीरियलिटी वाइज कर रहे हैं, यदि एक साथ बात करता है कि हमें अनेक हॉल जो है एक ही साथ बनाने हो, वहां पर हम गैंग ड्रिलिंग मशीन का यूज करेंगे, क्लियर है। यहां पर हम मल्टी स्पेंडल ड्रिल मशीन का यूज करेंगे, क्योंकि हमें बोला है कि क्रमबद्ध तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि 2 फिट होने वाले पार्ट ओके साइज के अंतर को क्या कहते हैं, जो जानबूझकर इच्छित फिट प्राप्त करने के लिए रखा जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, अलाउंस बोलेंगे। दोस्तों 2 फिट होने वाले पार्ट ओके साइज के अंतर को क्या कहते हैं, यानी कि जो हमारा साइज का अंतर है वो ओके है, जो जानबूझकर इच्छित फिट प्राप्त करने के लिए रखा जाता है, तो इच्छित फिट प्राप्त करने के लिए हम क्या रखते हैं, अलाउंस रखते हैं, क्लियर है। तो ए ऑप्शन हमारा यहां से दोस्तों करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है और बोला गया है कि जब हॉल या हॉल का टॉलरेंस जोन सॉफ्ट के टॉलरेंस जोन से नीचे होता है तो उसमें कौन सी फिट होती है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोला है कि हॉल का टॉलरेंस जोन सॉफ्ट के टॉलरेंस जोन से नीचे होता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए जो भी टॉलरेंस जोन हमारा ऊपर होता है उसका साइज हमारा क्या होता है, बड़ा होता है, साइज क्या होगा हमारा, बड़ा होगा, क्लियर है, और जो टॉलरेंस जोन नीचे होगा उसका साइज छोटा होगा। यहां पर किसका, जब हॉल का टॉलरेंस जोन सॉफ्ट के टॉलरेंस जोन से नीचे होता है, तो हॉल का टॉलरेंस जोन नीचे है, सॉफ्ट का टॉलरेंस जोन ऊपर है, तो सॉफ्ट बड़ी है, हॉल छोटा है, जब हमारी सॉफ्ट बड़ी होती है हॉल छोटा होता है, वहां पर कौन सी फिट होती है, इंटरफेरेंस फिट होती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर, इंटरफेरेंस फिट इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड आशा करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। यदि आप ITI स्टूडेंट्स हो और टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, DRDO, ISRO, DMRC, BHEL, SAIL, GAIL, तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.specialtechnoonlinecoaching.com। यहां पर ऑल टेक्निकल एग्जाम की कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएंगे।